हम लोग पकड़ा लेते हैं। बेटा ये फोन लो, अंदर जाओ। आवा जल्दी, देख सकते हैं दोस्तों कैसे चमक मार रहा है एकदम से। अंडा लाने उधर नहीं गए दोस्त। पानी जो है बस यहीं से थोड़ा थोड़ा टपक रहा है वो भी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, नंबे अच्छे। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग। और बाकी बालू और ये जो गिट्टी था ना, ये सब अंदर रखवा दे रहे हैं पहले ही, और हम भी वही उठा रहे थे। और क्योंकि जाने से पहले सब सामान सही हो जाएगा है ना। अभी एक बांस पाता ना तो वहाँ से गुम हो गया, आप लोग फूला घुमा रहे हैं। तो अभी काजल जा रही है, ये सारा गिट्टी उट्टी बाहर देंगे दोस्तों। अभी इधर गिट्टी सारा साफ कर रही है काजल। इस ये भी एक बोरा मेरे ख्याल से हो जाएगा ना दोस्तों। अभी शाम हो गया है, यानी कि अंधेरा हो गया है बिल्कुल। और अभी तक बालू ये मतलब कि कंप्लीट हो गया है हमारा। देखिए कितना चिकन कर दिए हैं बाहर के। अभी देखिए कितना चिकना हो गया है बाहर बाहर के। काजल ने सारा बालू गोट कर दिया और हम लोग उठा उठा के सभी लोग फेंक दिए। बस यही एक टोकरी बचा है, उसके बाद से फिर थोड़ा सा उधर गिट्टी है वो दो टोकरी, बस वही फेंक के हो गया दोस्तों। अभी सारा काम फिनिश हो गया है और देख सकते हैं अभी काजल जो है अभी झाड़ू लगा रही नीचे। अभी प्रिंस भी आया है, मानसी भी आ गई, और अभी अभी बर्तन धोए। अभी तक कुछ बना नहीं है खाना दोस्तों, क्योंकि शाम से ही काम कर रहे थे, काम में लगे हुए थे। तो अभी चलिए बनाएंगे कुछ। उससे पहले बता दें कि बारिश बहुत जोरों से आने वाला है, पूरा गरज रहा है और झीसी पड़ना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कब तक आता है बारिश, हमें भी काफी मतलब कि इंतजार है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मानसिक पापा आए हैं भींगते भींगते। बेटा मत लगा वैसे, रोटी आटा लेके, क्योंकि आटा नहीं था घर में, एकदम गरज ही ना। पहला पानी पड़ गया है, तबीयत खराब ना हो। चलो चेंज करी, कहाँ बेटा? मैं जा रही हूँ देखने। देखने जा रही हो? हाँ। पूरा बारिश दोस्तों बहुत तेज आ रहा है। अरे बाप रे, पकड़ो आंधी गई है। भारी बारिश है, नहीं तो ये उड़ने का संभावना है। आंधी भी बहुत तेज है दोस्तों। मतलब वो हो गया ना, पैर स्लिप कर रहा है। चप्पल हो गया, खोल दो, चाहे बहुत नहीं पंखा के फिर में बढ़िया, इतना तेज आंधी बहुत आए कि कैसे चलाऊंगा, नहीं चल रहा ये लाइट नहीं है। दोस्तों जो सामान ना मतलब कि यूज का है भींगने वाला, बर्बाद होने वाला, उसे हम मंगा ले रहे हैं। हाँ आओ हिटारा, वो हम लोग पकड़ा लेते हैं। बेटा ये फोन लो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। हेलो देख, हेलो सुन, ये अंदर लेके जा। हां हो लेके हाय दे, भाग बेटा तुम। हेलो, और कुछ नहीं है ना भेजे वाला हिटार भाई, कोड कोड पकड़। कोड दीजिए, चाउर वाले थे ना, चौरा भींग जाइए। सुन तनी, हमें खीर बनाओ खाते थोड़ा सा चाउर रख ले रही हो। डोलचिया उठा ले आई ना। हाँ वो है, वो है। हट बेटा, चुप। क्या बेटा? पापा जंप्स लगा रहे हैं पैर में। हाँ। घर में मानसी के पापा आए थे ना, तो पूरा इधर मिट्टी उट्टी लगा दिए हैं। इधर से पैदल भी जाने में डर लगेगा, रोडवा नो। किवाड़ी तो है, मतलब अच्छा लगवाए थे दोस्तों। दीवार वहां देख सकते हैं फट चुका है, तो इधर से उधर दीवार जाता है। तो तौलिया ना फट लड़ो में, ए उठाए रखो तो फिर का बोल दो, फटे छत तक उठा दे। देख देखो बैठ करो बेटा, मुझे जल्दी से लाल चाय बना के दो बेटा, ठंडा लग रहा है। खोली सारा कपड़ा खोली, जल्दी बना के दोगी? जाओ जाओ बना के दो जल्दी से लाल चाय। अब मम्मी बना दूंगी। और अभी ना दोस्तों पुसारा बर्तन उधर है। ना खोली सारा, ना ना सब खोली। देखिए दोस्तों कितना दिख रहा है कैमरा में, तो बताइए ऐसे कितना भींगा होगा।
अब उन्हें कहा जाते रहे दी बस पैक एक रूम में पैक दे सब इसी में सारा कुछ करो लाइट कट गया है दोस्तों दोस्तों ये भी एक शौक है लेकिन क्या कर कभी पूरा ही नहीं करती अपने मन से इसलिए पहुंचाते बाप हो मतलब बारिश में पंखा चलेगा है ना पंखा चलाओ पापा बारिश तो खोल दे कैमरा ऑफ करो दोस्तों बहुत ज्यादा सर पे भी भीग गया है पूरा कहते हैं कि पहला बारिश जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है इसलिए दिक्कत है ना पूरा बाल बन गया पापा पापा क्या बेटा बाल बन गया हाँ बेटा पूरा बाल भीग गया आप साफ नहीं की ना पियो पियो नौ महीनों में पड़ पियो नहीं नौ मंथ को हो तुम पियो पियो जल्दी दूध पियो हाथ का पियो चूहा की तरह दांत निकाल दे रही है ऊपर वाला पिन लगवाएंगे हाँ जब टूट के जमेगा ना दूसरा वाला उसके पिन लगवा देंगे दोस्तों अभी देख सकते हैं पूरा आंगन में इतना सारा पानी लग गया है दोस्तों और उधर पता ना उधर अभी सामान है अभी लेकिन वो नहीं भीगेगा क्योंकि बारिश का जो पानी है ना इधर से मार रहा है तो इधर से मार रहा है तो वहीं तक गया है उधर से मारता तो भीग जाता और पूरा देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा काला काला सा हो गया है बस ये हमारा इन्वर्टर है जो कि साथ दे रहा है थोड़ा थोड़ा ना नहीं तो ये देख सकते हैं पूरा पानी लग गया इधर भी आ रहा है पानी तो अभी इसको बंद कर देंगे गेट को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और वो गेट जो हमारा लग गया है ना तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब प्रॉफिट होता है कि उधर से भी पानी नहीं आता है उधर से झटका भी मारता है ना तो वहीं पे गिर जाता है नीचे में देख सकते हैं वहीं से ढलान है तो उधर ही चला जाता है ना काफ़ी राहत है उसे नहीं तो उधर से भी पूरा पानी मार देता था और घर प्लास्टर जो कर दिए थे ना बड़े पापा तो इससे भी काफ़ी अच्छा हो गया है कि कितना भी पानी अंदर रहेगा ना तो वो सारा निकल जाएगा अपने आप उधर है ना तो देख सकते हैं बारिश में कुछ ऐसा हमारा पहला बारिश में ऐसा हुआ अभी बहुत ज़्यादा गरज भी रहा है यानी कि बिजली जो तड़कता है ना वो वाला हो रहा है शायद आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा तो चलिए अभी दरवाज़ा बंद करते हैं और खाना पीना खाते हैं अंदर है ना बाकी अभी मैं उधर से आया था ना इतना ज़्यादा मतलब कि स्लिप कर रहा था चक्का बाइक का क्या ही बताएं कई बार गिरते गिरते बचा चलिए बंद करते हैं बारिश का मज़े लेते हैं है ना कजा दोस्तों अभी सुन सकते हैं आप लोग आवाज़ जो की है बारिश का सुनिए और फील सुना रहे। और हम लोग को फील एकदम मजा आ और फील कीजिए आप लोग भी कि एक मतलब कि सुनसान जगह पे गांव से बाहर साइड में चौरा में खेतों में घर है छोटा सा हमारा ये देख सकते हैं प्यारा सा सपनों का घर और इसमें बारिश आ रहा है आसपास की सारे लाइटें कट गई है गांव की बस एक बल्ब जो हमारे यहाँ जल रहा है और उसमें बारिश का तड़ातड़ वाला आवाज कितना अच्छा लगता है ना हाँ, दो रोटी मांग के लाए मानसी पापा भुजिया हम जा रहे हैं ऑमलेट बनाने अब मस्त खाएंगे तो काफी अच्छा फील हो रहा है दोस्तों पंखा मारे मच्छर काट रहा है पंखा चलाए मानसी के पंखा के लिए होता है ये बारिश में इतना ठंडा है और फिर भी पंखा के लिए कह रही है तो बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है पहला बारिश का बूंदे जो हमारे घर पे पड़ी है बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को बहुत ही सुकून मिल गया दोस्तों बहुत ज्यादा तेज हवा चल रहा है देख सकते हैं पर्दा जो है हमारा हाँ सारा हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है ये बोल रहे कि दोनों दरवाजे खोल दे मतलब काहे अंदर जब हवा आएगा तब ना खोलेंगे कि अंदर बाहर हवा जाए नहीं हम सोच रहे हैं कि हवा दोनों दरवाजा खोल देगा ना तो हवा इधर से आएगा उधर पास हो जाएगा और ऐसे में हवा आ ही नहीं रहा तो पता नहीं डर तो लग रहा है देखिए वहां से भी पानी आ रहा है कूलर के पास से और बहुत तेज घड़घड़ाहट हो रहा है ना दोस्तों अभी इतना बारिश का मौसम में और हम देखिए क्या बना रही है काजल अंडा उधर नहीं गए दोस्तों पानी हो रहा है ना धबक धबक इसलिए तो चाकू से ही बना दे रहे हैं अंडे के भुजरी बना रहे हैं भुजी तो भुजरी हम लोग भोजपुरी बोलते हैं और इधर है आलू की सब्जी और ये है रोटी तो अभी बारिश का मौसम है ज़्यादातर कुछ ला नहीं पाए सब्जी तो गए थे जाने वाले थे लेकिन नहीं गए वही सही है नहीं तो और ज़्यादा भीग जाता है ना
तो इसलिए सब्जी नहीं लाए, तो अंडे के भुजरी बना देंगे, रोटी है भुजी और आलू के भुजिए खा लेंगे, और दिन का ये चावल और दाल सब्जी है, सब मिला के खा लेंगे, है ना। भूख लगा है मेरे को बहुत तेज दोस्तों। तो अभी खाना खाने जा रहे हैं, अभी रोटी ले लिए हैं, इधर अंडा, इधर ये, और इधर दाल चावल। अच्छा ले खाना खाते लो। तो अभी दोस्तों काजल मानसी का वो क्या कहते हैं निप्पल धो रही है, इधर लो। अब जग में पानी भरेगी, बारिश अभी हो ही रहा है दोस्तों, पूरे गांव में देख सकते हैं कहीं लाइट नहीं जल रहा, बस एक सामने जल रहा, पूरा अंधेरा अंधेरा। अब उसी टाइम से बहुत ज़्यादा बिजली गिर रहा है चारों तरफ। हमने अपना फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दिया है, दोनों फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दिया है, मतलब नेटवर्क से सुने हैं कि नेटवर्क से कुछ दिक्कत होता है ना, तो इसलिए फ्लाइट मोड में कर दिया है। अब ये चलिए पानी रख देते हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे ये मानसी का निप्पल, ये दूध गर्म करके दे देंगे। मोबाइल आवा, जाओ जाओ जाओ, मोबाइल आवा, पूरा पानी से लगा लो, जा मैं तो पानी आराम से रख दे। अरे बाप रे, जल्दी लेके आओ। मानसी अभी सो गई है दोस्तों यहाँ पे, और ये जो वाला जो होल हम लोग बंद किए थे ना, ये काफी अभी वर्क कर रहा है हमारा, मतलब कहने का मतलब काफी काम आ गया, नहीं तो पहले हवा चलता था तो इधर से इतना ज्यादा धूल मिट्टी आता था ना, पूरा बेड भर जाता था। अभी सही है, इधर से हवा नहीं आ रहा, पानी जो है बस यहीं से थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, वो भी कूलर की वजह से, ये देख सकते हैं, और बाकी कहीं से पानी नहीं आ रहा, ये आ रहा है थोड़ा थोड़ा इधर वाले गेट से, इधर वाले गेट से तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इधर से ढलान है उधर, तो इधर से ही थोड़ा थोड़ा आ रहा है जो कि सीधा ही चला जाएगा इधर, तो ये सही है। अब जल्दी देख सकते हैं दोस्तों कैसे चमक मार रहा है एकदम से। छाता पता ना क्यों, छाते लगाने से बारिश में डर लगता है, है ना। हेलो दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे एंड आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए पानी अभी भी यहाँ लगा हुआ है, ये रात को मैंने चप्पल खोला था और ये निकला है धूप, वाव। ये थोड़ा सा गीला गीला है, बाकी सब ठीक है, इधर वहाँ तक पानी गया नहीं है बिस्तर तक, तो उधर बचा हुआ, और कोई नुकसान नहीं है। बाकी काजल का जो ये मिट्टी का चूल्हा है उसी का हड्डी दिख रहा है, मतलब ऊपर का परत निकल गया, लेयर, ऊपर का लेयर। और ये गेटवा तू खोल लड़ू, रात को इसको बांधे थे लेकिन फिर भी इधर हट गया हवा से। चलिए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देखिए पानी गिरा है तो पूरा खाल खाल हो गया, और कल हम लोग बहुत अच्छा किए थे कि वहाँ से बालू और यहाँ से गिट्टी जो है वो निकाल के उसमें डाल दिए थे नए वाले घर में, नहीं तो अभी देखिए पानी लग गया उधर भी पानी है, और बारिश में मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो ही जाता वैसे, तो कल ही हम लोग कर लिए तो ये काफ़ी अच्छा हुआ। और इधर खटिया हमारा जो है ये तो पहले से ही गिरा हुआ था, और बाकी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस इधर रोड पे पानी लगा है, देख सकते हैं बारिश हुआ था लगभग इधर भी कींच कांच हो गया है पूरा उधर तक। तो यही सब है जो कि दिखाया मैंने आपको। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा काम है, और घर का पूरा सफाई करना है, उधर किचन में भी पानी लग गया है पूरा, इधर भी घर को धोना है, तो इसलिए अभी जा रहे हैं हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेंगे। और बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम प्यारा सा व्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।